हेलो, वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन्स। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। जो थायराइड हार्मोन्स बनते हैं उनका स्टोरेज कैसे होता है, फिर वो फॉलिकल से कैसे निकलते हैं, उसके स्टेप्स मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट प्रोसेस आता है इसमें, वो आता है आयोडीन ट्रैपिंग। आयोडीन ट्रैपिंग का मतलब क्या होता है, जो थायराइड सेल्स होते हैं उसमें फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, वो ब्लड से जब आयोडीन ट्रैप करते हैं, टेकअप करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं आयोडीन ट्रैपिंग। दूसरा स्टेप क्या होता है इसमें, सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबिलिन। अब जो जो थायरोग्लोबिन जो होता है इसको सिंथेसिस करते हैं फॉलिकुलर सेल्स के रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। फिर उसके बाद उसको क्या होता है, जो गॉल्गी कॉम्प्लेक्स फॉलिकुलर सेल्स में होते हैं वो इसको मॉडिफाई करते हैं और इसको पैक करते हैं सिक्रेटरी वेसिकल्स। फिर ये जो सिक्रेटरी वेसिकल्स जो होते हैं इनमें एक्सोसाइटोसिस हो जाते हैं, फिर ये अंदर जाते हैं, फॉलिकल के अंदर जाते हैं। तीसरा स्टेप हो जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन। ये जो आयोडीन मॉलिक्यूल जो होता है इसकी ऑक्सीडेशन ज़रूरी होती तब ये एंटर हो जाएगा इस फॉलिकल में। तो एमाइनो एसिड जो होता है टायरोसिन, किसका, थायरोग्लोबिलिन का, तो ये आयोडिनेट, इसका आयोडिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आयोडिनेशन इसकी होनी है तो सबसे पहला जो होता है आयोडीन का ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज जो होता है आयोडीन ब्लड कैपिलरी में वो एंटर नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो होता है आयोडीन मॉलिक्यूल को ऑक्सीडेशन बहुत ज़रूरी होता है, तब ये एंटर हो जाएगा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बाद वो ल्यूमन होता है फॉलिकल का। तीसरे नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन। टायरोसिन जो एमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है इसमें थायरोग्लोबुलिन, इसमें क्या होता है, होती है आयोडीनेशन, मतलब आयोडीनेशन अटैच, आयोडीन मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो होता है जब इसके साथ ये अटैच हो जाते हैं आयोडीन मॉलिक्यूल्स, अगर एक आयोडीन मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा तो वो बनाते हैं मोनो आयोडो टायरोसिन, दो अटैच हो जाएंगे तो वो बनाते हैं सेकेंड आयोडीन, सेकेंड आयोडीन मॉलिक्यूल जब अटैच हो जाता है तो वो बनाते हैं डाई आयोडो टायरोसिन। ये जो थायरोग्लोबुलिन जो होता है ये अटैच हो जाता है आयोडीन एटम्स के साथ, तो वो क्या बनाता है, एक स्टिकी मटेरियल बनाता है जिसको बोलते हैं कोलाइड। तो ये कोलाइड कहाँ पे बन जाता है, फॉलिकल के ल्यूमन में। तो फिर उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट, जब कपलिंग ऑफ T1 एंड T3, टू मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, टू मॉलिक्यूल्स ज्वाइन हो जाते हैं, ये जो टू मॉलिक्यूल्स ज्वाइन होते हैं T1 एंड T2, तो ये क्या है, जब दो मॉलिक्यूल ज्वाइन होते हैं वो T2 के, वो बनाएंगे T4। इसी तरीके से वन मॉलिक्यूल T1 एंड वन मॉलिक्यूल T2 ये बनाएगा T3। इसके बाद जो होता है सेटअप जो इसमें आता है वो आता है पेनोसाइटोसिस एंड डाइजेशन ऑफ कोलाइड। ये जो कोलाइड जो बनता है इसकी पेनोसाइटोसिस हो जाती है और इसकी डाइजेशन हो जाती है। ड्रॉपलेट्स जो होते हैं इसकी कोलाइड, ये फिर से फॉलिकुलर सेल्स में आते हैं, फिर ये मर्ज हो जाते हैं लाइसोजोम के साथ। तो लाइसोजोम्स में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो इसको डाइजेस्ट करते हैं। इस तरीके से जो टीजी थायरोग्लोबुलिन जो होता है इससे निकलते हैं T3 एंड T4। फिर क्या होता है, ये T3 एंड T4 जो होते हैं ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, फिर इसके बाद क्या चला जाएगा ब्लड में। T4 जो होता है वो सिक्रेटेड होता है ग्रेटर क्वांटिटी में देन T3 में, लेकिन जो T3 जो होता है ये मोर पोटेंट होता है T4 से, क्योंकि इसका जो इफेक्ट मोर होता है एज़ कम्पेयर टू T4। इसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट, ये जो T3 एंड T4 बन जाता है इसकी ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है डिफरेंट ट्रांसपोर्टिंग हार्मोन, फॉर एग्जाम्पल थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम बनाया, डायग्राम से अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे। ये वाला जो सेल है, ये सेल जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं था इसमें थायराइड ग्लैंड में, जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर सेल।
ये जो ये वाला ये आउटर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फॉलिकुलर सेल्स। यहाँ पे यह है पूरा फॉलिकुलर, ये पूरा फॉलिक्यूल है और यहाँ पे फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ इसके सराउंड में ब्लड कैपिलरीज होते हैं जो मैंने लाल पेन से यहाँ पे बनाई, छोटा सा मैंने ये डायग्राम बनाया, यहाँ पे मैंने इसको बड़ा बना दिया। ये ब्लड कैपिलरी है यहाँ पे, तो ब्लड कैपिलरी को मैंने इस तरीके से बनाया। तो ब्लड कैपिलरी में आयोडीन होता है, ये जो आयोडाइड जो होता है ये हमारे फूड से आता है हमारे ब्लड में। तो यही से जो ये आयोडीन होता है ये एंटर हो जाता है इसमें फॉलिकुलर सेल में, जो ये मैंने इतना बनाया है फॉलिकुलर सेल, यहाँ से यहाँ तक इतना ये सेल है फॉलिकुलर सेल, ठीक है। जब आयोडीन मॉलिक्यूल इसके अंदर आएगा तो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं आयोडाइड ट्रैपिंग। ये जो सेल होते हैं फॉलिकुलर सेल जो होते हैं इसमें रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है जो बनाता है थायरोग्लोबुलिन। फिर क्या होता है, इसी में गॉल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, इस प्रोटीन को जो थायरोग्लोबुलिन जो होता है इसको मतलब ले जाते हैं, मॉडिफाई करते हैं और इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं गॉल्जी एम कॉम्प्लेक्स, फिर वो सेक्रेटरी वेसिकल बन जाता है, फिर इसके इसका क्या हो जाता है एक्सोसाइटोसिस, मतलब ये जो फॉलिकुलर सेल से इस ल्यूमेन में मतलब निक आ जाएगा, इस ल्यूमेन में फॉलिकुलर के ल्यूमेन में आ जाएगा, तो ये थ्रू आता है एक्सोसाइटोसिस। तो ये आ गया ये प्रोटीन जो यहाँ पे आ गए थायरोग्लोबुलिन। अब ये जो थायरोग्लोबिन के साथ आयोडीनेशन होना ज़रूरी है होती है, लेकिन ये जो आई माइनस जो यहाँ पे है ये डायरेक्टली एंटर नहीं हो आएगा इस मेम्ब्रेन में, इसलिए जो है ऑक्सीडेशन आयोडीन की बहुत ज़रूरी होती है। सिर्फ आई ज़ीरो एंटर हो जाता है इस मेम्ब्रेन में, तो यहाँ पे आई माइनस की जो ऑक्सीडेशन होती है ये आई ज़ीरो बनता है, तो ये अटैच हो जाता है थायरोग्लोबुलिन के साथ। यहाँ पे मैंने दिखाया ये आयोडीन यहाँ से ब्लड कैपिलरी से यहाँ से आ गया आयोडीन, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ये थायरोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है। जो थायरोग्लोबिन जो होता है इसमें अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं टायरोसिन। तो इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे आयोडीनेशन होती है जो मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ आयोडीनेशन होती है टायरोसिन अमाइनो एसिड की। मतलब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जो होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल जो होता है आई टू और एक मॉलिक्यूल जो होता है आई टू, तो ये बनाएगा आई मतलब T4 बनाएगा ये। तो इसी तरीके से जो होता है एक मॉलिक्यूल जो होता है आई मतलब दो मॉलिक्यूल जो होते हैं इसके T2 के और दो मॉलिक्यूल जो होते हैं इसका, एक मॉलिक्यूल आयोडीन का दो मॉलिक्यूल आयोडीन के साथ जो मिल जाएगा तो ये बनाएगा T3। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बनता है T3 और T4 बनता है। तो ये जो T3 एंड T4 जो बनता है इसी को बोलते हैं कोलाइड, तो ये सिटकी होता है। तो ये यहाँ पे ये जो यहाँ से इतने पोर्शन में ये चीज़ें हो गई, प्रोटीन बना है थायरोग्लोबिन, फिर इसके साथ आयोडीनेशन हो गई, पहले ऑक्सीडेशन हो गई फिर टायरोसिन अटैच हो गया, टायरोसिन के साथ आयोडीनेशन यहाँ पे हुई है। तो ये इधर होता है ल्यूमेन में कोला मतलब जो ये फॉलिकल होता है यहाँ फॉलिकल के ल्यूमेन में ही हो जाता है, ये बन गया T3 एंड T4, तो इसी को बोलते हैं कोलाइड। अब जो कोलाइड जो होता है ये एंटर हो जाएगा फिर वापस आएगा इसमें, मतलब ये जो फॉलिकुलर सेल होती है यहाँ पे इसमें अंदर आएगा फॉलिकुलर सेल में थ्रू पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस के थ्रू यहाँ पे लाइसोसोम्स भी होते हैं सेल में, तो ये लाइसोसोम होगा, तो लाइसोसोम में क्या होते हैं डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं इसको क्लीव करते हैं, इस थायरोग्लोबिन को क्लीव ऑफ कर देते हैं, तो वहाँ से T3 एंड T4 आ जाता है। जब ये T3 एंड T4 होता है इस तरीके से T3 एंड T4 फिर से ब्लड में एंटर हो जाता है, फिर ये ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।